अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। जी आज कोई रेसिपी ब्लॉग बिल्कुल नहीं शेयर करने वाली हूँ। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं और नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट हैं। बस उसी सिलसिले में उनके साथ भी बिज़ी हूँ। अभी वो लोग अपनी स्टडी कर रहे थे तो मैंने उनको पैम्पर करने के लिए कुछ उनके लिए स्नैक्स बनाए हैं। अच्छा रहता है कि अगर बच्चे एग्ज़ाम्स में बिज़ी हों तो उनकी जो क्रेविंग्स होती है ना फूड के लिए, अक्सर बच्चों की ज़्यादा हो जाती हैं उन दिनों में। जब हम लोग एग्ज़ाम दिया करते थे, मुझे याद है मेरी तो भूख ही उड़ जाती थी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल। और आई होप कि आप भी इससे रिलेट करेंगे, आप में से भी जिनके बच्चों को एग्ज़ाम्स के दौरान ज़्यादा भूख लगती होगी। तो बस अभी वो लोग अपनी रिविजन्स कर रहे थे, अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थे तो मैंने उनके लिए कुछ स्नैक्स बनाए हैं और ऑल ऑफ देम आर होममेड। कुछ स्मूदीज़ बनाई हैं उनके लिए, पॉपकॉर्न्स बनाए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चिकन लॉलीपॉप स्टिक्स की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। स्प्रिंग रोल्स की भी रेसिपी, ये भी होममेड हैं। चिकन नगेट्स हैं और चिकन समोसाज हैं। समोसाज की रेसिपी अभी शेयर नहीं की, वो इंशाल्लाह आपको मैं आपके किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। और बस वो लोग बिजी थे तो मैंने सोचा कि कुछ बनाऊं उनके लिए, बिकॉज दे वर आस्किंग समथिंग टू ईट वाइल दे आर स्टडिंग। तो बस आज का ब्लॉग इतना लंबा नहीं होने वाला। सो बस अब लोग अपनी जो है स्टडीज़ भी करेंगे और साथ साथ में स्नैक्स भी इंजॉय करेंगे। ये बनाना स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल का स्मूदी है और इसकी रेसिपी भी मैं छोटी सी है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको बता देती हूँ कि किन चीज़ों से मिला के मैंने ये बनाया है। और इसकी टॉपिंग्स पे मैंने जो ऊपर दिया है वो है व्हिप क्रीम। तो बस बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी और बहुत हेल्दी चीज़ है बच्चों के लिए। मार्केट के जूसेस से तो बहुत अच्छा है कि अगर वो ना यूज़ किया जाए और घर पे ये बना के दिया जाए। तो एक एप्पल मैंने कट कर लिया छोटे पीसेस में, टू बनानास लिए हैं और इसके लिए मैंने यूज़ किया है स्ट्रॉबेरी योगर्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। आपके पास कोई भी फ्लेवर का योगर्ट हो आप यूज़ कर सकते हैं, इवन प्लेन योगर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्मूदी के लिए सबसे बेस्ट रहता है। मैंने 2 कप जो है स्ट्रॉबेरी योगर्ट डाला है, 1 बनाना और 2 बनानास एंड 1 एप्पल। और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थोड़ी लिक्विड फॉर्म में रहे। और बस आपका स्मूदी बिल्कुल रेडी। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।